देख सकते हो यहाँ पर चपाती बनाया जा रहा है, एक दिन में 20,000 बनता है। जी बताएंगे कि सर्विस हॉल में कितना टोटल टेबल है, कितना होगा सर? टोटल 22 टेबल है। सो गाइस अभी जो है मैं सर्व कर रहा हूँ मशरूम नूडल्स, दोनों आदमी खाएंगे आधा आधा। हे गाइज अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। सो कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज आज के ब्लॉग में आप लोग को दिखाने वाला हूँ दुधवालापुर का सबसे बड़ा और सबसे फेमस रेस्टोरेंट, जो कि वेज रेस्टोरेंट है। उसका नाम है श्री गणेश ग्रैंड, जो कि दुधवालापुर से लगभग 4 या 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वहीं पर जाएंगे हम लोग और वहाँ का क्या है नहीं है देखेंगे, वहाँ पर कैसा मिलता है खाना है, सेल्फ सर्विस कैसा है, सर्विस हॉल कैसा है, और वहाँ पर कैटरिंग भी है तो वो भी देखेंगे कैसा है नहीं है, और वहाँ पर जाकर के आप लोग दिखाते हैं वहाँ का व्यू कैसा है नहीं है। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग अभी जा रहे हैं गणेश ग्रैंड होटल में, क्योंकि वो होटल जो है काफी फेमस होटल है पूरा दुधवालापुर में, और काफी बड़ा होटल है, सेल्फ सर्विस, सर्विस हॉल सभी कुछ है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं वो होटल कैसा है नहीं है। तो अभी हम लोग दुधवालापुर का मार्केट से आगे निकल चुके हैं, ग्लोव्स में एक लिया हूँ नया, जो कि ये हाफ ग्लोव्स है, ये लगभग 450 में 450 में मिला है मुझे, प्रो बाइकर का है जो कि देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी स्मूथ और काफ़ी कंफर्टेबल है, देख सकते हो। अभी जो है हम लोग आ चुके हैं दुधवालापुर का रेलवे स्टेशन के पास, और यहाँ पर देख सकते हो कि ऊपर में रेल जो है रुकी हुई है और एक ट्रेन वो साइड से जा रही है। तो काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है यार यहाँ से देखने में, देख सकते हो आप लोग। हम लोग इसके नीचे से जाएंगे और नीचे काफ़ी ज़रा जाम लगे हुए हैं लग रहा है यार, और ये हम लोग ब्रिज के नीचे आ चुके हैं, नीचे काफ़ी अंधेरा है। ओ भाई काफ़ी कीचड़ भी है यार, यहाँ से जो है 2 किलोमीटर ही दूर है गणेश ग्रैंड होटल, जो कि यहाँ से 4 मिनट और लगेगा जाने में। तो चलिए देखते हैं, सो यहाँ से देख सकते हो व्यू काफ़ी अच्छा आ रही है यार। गाइस देख सकते हो आगे से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। सो गाइस फाइनली जो है हम लोग आ चुके हैं गणेश ग्रैंड होटल के पास, और देख सकते हो गणेश ग्रैंड होटल के सामने का ये व्यू है, और ये रहा आगे का व्यू, देख सकते हो कनाडा में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में लिखा है श्री गणेश ग्रैंड, और यहाँ पर आगे में देख सकते हो पार्किंग वगैरह बने हुए हैं, ये आगे में पार्किंग है और उसका राइट साइड में भी पार्किंग है, और ये यहाँ पर आगे में कुछ फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं, और ऊपर जो है सर्विस हॉल है इसका देख सकते हो। तो चलिए आगे जाके देखते हैं कैसा है, और आगे देख सकते हो वहाँ पर एसी सर्विस हॉल लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर, पार्टी हॉल सेकंड फ्लोर में है, देख सकते हो वहाँ पे बोर्ड है। सो गाइस अभी हम लोग इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, और अंदर का व्यू देख सकते हो आप लोग कुछ इस प्रकार से है, वहाँ पर चार्ज से वो हो रहा है कैश, कैश काउंटर, और यहाँ पर सभी आइटम आप लोग को मिल जाएगा, नॉर्थ चाइनीज ये रहा डिस्प्ले, और अंदर किचन है, और ये रहा बैठने का जगह जो कि देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, अभी जस्ट पूरा फुल था यार, अभी अभी काल पहले यहाँ पर बैठेंगे यार, और देख सकते हो कुछ इस प्रकार से लग रहा है ये अंदर से देखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार होटल। और ये हम लोग जो आ रहे हैं अभी सेल्फ सर्विस में आए हैं, सेल्फ सर्विस है ये, तो हम लोग यहीं पर बैठेंगे और खाते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, क्या खाना है नहीं खाना है कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, देखते हैं पहले मेनू वगैरह ले लेते हैं। ऑर्डर दिया हूँ मशरूम नूडल, जो कि 110 रुपीज़ लिया है, तो अभी आए नहीं हम लोग, सेल्फ में बैठा हुआ है, तो अभी आएगा वहाँ पर काउंटर में मिलेगा, तो अभी हम लोग जाएंगे लाने। अपना आइटम जो है रेडी हो चुका है, देख सकते हो वहाँ पर कलाम गया लाने के लिए मशरूम नूडल्स, अभी लेके आ रहे हैं और खा करके टेस्ट करते हैं कैसा है नहीं है यहाँ का, जो कि ये होटल का काफ़ी ज़्यादा नाम सुने थे यार, देख सकते हो कलाम लेके आ रहे हैं। तो क्या देख सकते हो यही है मशरूम नूडल्स, और इसके साथ 2 केचप मिला है, और 2 प्लेट है, हम लोग 2 आदमी हैं, तो देखते हैं खा करके टेस्ट कैसा है नहीं है। सो गाइस अभी जो है मैं सर्व कर रहा हूँ मशरूम नूडल्स, दोनों आदमी खाएंगे आधा आधा, टेस्ट करेंगे कैसा है नहीं है। काफ़ी अच्छा यार, सुपर है, काफ़ी अच्छा है। तो अभी कलाम का आएगा, देख कलाम खा रहे हैं, कलाम खा रहे हैं कैसा है, कैसा है टेस्ट? अच्छा है, क्योंकि मैं भी खाया हूँ, जो कि 110 रुपया इसका प्राइस लगा है।
तो काफ़ी अच्छा देख सकते हो, तो इसी बॉल में आया था और उसके साथ दो केचप मिला है, तो दोनों आदमी खाते हैं। तो गाइस अभी मैं नूडल्स खा लिया हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्टी था, काफ़ी मज़ा लगा खाने में। देख सकते हो अभी कलाम खाए, जैसे ही मैं इसमें ब्लॉग शूट कर रहा था तो हमारे साथ देख सकते हो सर जो है मिल गया है, जो कि यह होटल का मैनेजर है। तो अभी हम लोग सर के साथ चलेंगे ऊपर सर्विस हॉल में और सर्विस हॉल को दिखाएंगे आप लोगों को कि ये होटल का कैसा है नहीं है, जो कि आप लोग सेल्फ सर्विस तो देख लिए होंगे काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम लोग फर्स्ट फ्लोर में जा रहे हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर में सर्विस हॉल है, तो वहाँ पर भी जाके दिखाएंगे आप लोगों को कैसा है नहीं है। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहेगा, ठीक है सर, चलेंगे अभी हम लोग। तो चलिए अभी हम लोग फर्स्ट गए, जैसे ही इसका राइट साइड में आप लोग देखे होंगे कि जब सभी जितना जो है ये होटल का पार्किंग है, कार पार्किंग, टू व्हीलर, फोर व्हीलर सभी पार्किंग है, और इसके सामने का व्यू देख सकते हो मेन हाईवे गए हुए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर सर्विस हॉल में, तो सर जी हमारे साथ जाएंगे और फर्स्ट फ्लोर का जो क्या व्यू है सर्विस हॉल का नहीं है जो दिखाएगा, तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। और यहाँ पर एक बोर्ड देख सकते हो, एसी सर्विस हॉल और पार्टी हॉल जो है सेकेंड फ्लोर में, तो अभी हम लोग एसी सर्विस हॉल में जाएंगे और सर जी हमारे साथ है, काफ़ी बड़ा है यार देख सकते हो। और यहाँ पर सर्विस हॉल का कैश काउंटर है जो कि देख सकते हो काफ़ी बड़ा, और ये रहा सर्विस हॉल गणेश ग्रैंड होटल का जो कि काफ़ी बड़ा, अभी शाम का टाइम है, इवनिंग का टाइम, तो अभी खाली खाली सा है। सो गाइस देख सकते हो ये एसी सर्विस हॉल है। जी बताएंगे कि सर्विस हॉल में कितना टोटल टेबल है, कितना होगा सर? टोटल 22 टेबल है, 22 टेबल है, वो भी एसी का है, एसी सर्विस हॉल। और इसके ऊपर आप लोग अगर जाओगे थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर में तो वहां पर आप लोग को पार्टी हॉल मिल जाएगा। तो सर इसमें होटल के बारे में कुछ बताएंगे आप? अच्छा सर्विस है हमारा और फूड भी अच्छा है। हाँ, जो कि हम लोग तो हम लोग खाए ही है, जो मशरूम नूडल्स खाए थे हम लोग 110 का पड़ा, काफी अच्छा और काफी टेस्टी मिला था। तो सर और दूसरा आइटम कैसा रहता है जो टेस्टी? साउथ इंडियन बढ़िया है, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन चाइनीज सभी बढ़िया है, लेकिन यहाँ का फेमस जो है साउथ इंडियन का जो है वो ज़्यादा फेमस है, क्योंकि हम लोग साउथ इंडियन में ही है ना, तो काफ़ी फेमस है। और सर से मिल के काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग यहाँ का व्यू भी देख लिए होंगे जो कि सर्विस हॉल काफ़ी बड़ा है, देख सकते हो कितना बड़ा सर्विस हॉल है, काफ़ी अच्छा मेंटेन है यार, क्लीननेस सभी कुछ आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा। होटल भी दिखा दिए, पार्किंग दिखा दिए, सेल्फ सर्विस, सर्विस हॉल सभी कुछ दिखा दिए। तो अभी सर के साथ हम लोग जा रहे हैं कैटरिंग में और कैटरिंग भी आप लोग को दिखाएंगे कि कैटरिंग इसका कैसा है नहीं है और क्या क्या है उसमें फैसिलिटी है सभी कुछ आप लोग को दिखाएंगे, तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। इंडस्ट्रियल कैटरिंग, तो अभी हम लोग इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं और इसके अंदर का व्यू कैसा है नहीं है तो आप लोग को अभी हम लोग देख सकते हैं आ चुके हैं कैटरिंग में। और इसके लिए ये कैटरिंग में क्या बनता है, नहीं बनता है, किसके लिए बनता है, जो हमारे साथ सर बात कर रहे हैं वो बताएंगे आप लोगों को। तो सर बताइए आप थोड़ा। ये इंडस्ट्रियल कैटरिंग है, इधर 12 कंपनी 13 कंपनी का अभी जा रहे हैं, 13 कंपनी को इधर से 10 से 12 हज़ार लोग को इधर खाना बनाते हैं। हाँ, जो कि 10 से 12 हज़ार लोग का यहाँ पर खाना बनता है और बनते हैं, काफ़ी बड़ा ये कैटरिंग है ना सर। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा था। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात है क्लीनिंग, जो कि जैसे तो फुल क्लीननेस में काम हो रहा है। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर चपाती बनाया जा रहा है, एक दिन में 20,000 बनता है, क्योंकि क्या देख सकते हो ये रहा चपाती कुछ इस प्रकार से बनता है। और क्वालिटी भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा है यार, क्योंकि 20,000 एक दिन में बनाया जाता है। और यहाँ पर बर्तन वगैरह देख सकते हो गाइस कितना है, कटिंग एरिया। और ये रहा कटिंग एरिया, जो कि यहाँ पर कटिंग किया जाता है वेजिटेबल। तो अभी हम लोग इससे बाहर जा रहे हैं। मुझे मिल के काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सर के लिए, थैंक यू, क्योंकि सर जी सभी कुछ हमें एक एक करके दिखाया है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर आप लोग को यहाँ का वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिए। जब तक मिलते हैं आप लोग से छोटे से ब्लॉग के बाद अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद।